तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे गिवन है 7 एंड 22 टर्म की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 149। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है, और हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और 22 टर्म की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे गिवन वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 7 गिवन है, और जो यहाँ पे 22 टर्म की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 149 गिवन है। और जो हमारे यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में होगा एंड कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे ए 22 है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस एन की जगह हमें यहाँ पे क्या लेना है, 22 लेना है। तो 22 माइनस वन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा एंड डी से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 149। तो डी की वैल्यू हमें यहाँ पे पहले से पता है जो कि यहाँ पे क्या है, 7 है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 149 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 7 जा 7, 7 टू जा 14 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 149। तो ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 149। ये वाली वैल्यू हमारे यहाँ पे राइट साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी 147। तो ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। अब हम यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं, सम ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ए एन हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ एन एपी है ये हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस 22 लिखेंगे, और जो हमारे यहाँ पे एन की वैल्यू होगी वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 22 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कितनी निकाली, 2 निकाली प्लस, और जो हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म था वो हमारे यहाँ पे क्या था, 149 था। तो जो यहाँ पे ए एन की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 149 हो जाएगी। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो एस 22 जो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 11 हो जाएगा। ब्रैकेट वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 151। 151 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे यहाँ पे कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 151 मल्टीप्लाई 151, 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 661। तो जो हमारे यहाँ पे 22 टर्म्स का यहाँ पे जो सम आया है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 1661 निकल के आ गया। तो फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी का जो सम निकल के आया वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया, 1661 निकल के आया। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।